आज अमावस्या की रात है, ये समय है मेरे तंत्र की शक्तियों को बढ़ाने का। आज से तुम सब मेरे गुलाम हो, मेरे इशारों पर चलोगे और इस शहर को लूट कर इसे हमेशा के लिए बर्बाद कर दोगे। हुक्म स्वामी। इस शहर का हर कोना खौफ से भर जाएगा और हर इंसान हमारी गिरफ्त में होगा। अमावस्या की रात जब अंधेरा पूरी तरह से धरती को अपने आगोश में ले लेता है, तब शमशान घाट पर एक तांत्रिक अपनी खौफनाक पूजा में मग्न था। उस रात की काली स्याही को और गहरा कर रही थी दिवाली की रात। जब हर कोई अपने घरों में दिया जलाकर खुशी मना रहा था, वहीं यह तांत्रिक शमशान की शांति भंग कर रहा था। तांत्रिक ने शमशान के चारों ओर काले कपड़े में बंधे शव रखे और उनके चारों ओर राख का एक बड़ा घेरा खींचा। उसने शमशान में वर्षों से दफन भूत चुड़ैल डायन और पिशाचनी को अपने वश में करने की तैयारी कर ली थी। उसके पास एक प्राचीन मंत्र था जिसे सिर्फ अमावस्या की रात में ही प्रभावी ढंग से पढ़ा जा सकता था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक भयानक हंसी। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। दिवाली की रोशनी मानो उस जगह पहुंचते ही बुझ जाती। तांत्रिक के सामने भूत चुड़ैल पिशाच और डायन जैसे डरावने प्रेत एक एक कर प्रकट होने लगे। वे सभी उसके मंत्र के प्रभाव में उसकी ओर देख रहे थे। तांत्रिक ने गर्जना करते हुए कहा, आज से तुम सब मेरे गुलाम हो। आज की दिवाली रात को हम शहर में खौफ का ऐसा आतंक फैलाएंगे कि लोग अपनी जान की भीख मांगेंगे, और जो मुझे मेरे हिसाब से दान नहीं देगा उसे मैं तुम्हारी भेंट चढ़ा दूंगा। यह सुनते ही भूत चुड़ैल और पिशाचनी एक विकराल हंसी हंसी। उनके चेहरों पर रक्त की प्यास और अजीब सी चमक थी। तांत्रिक ने उन्हें आदेश दिया कि वे सभी नगर के विभिन्न हिस्सों में फैल जाएं और लोगों को डराकर उनके पैसे लूट लें। जैसे ही रात गहराई, पूरे शहर में खौफ का माहौल बनने लगा। लोग अपने अपने घरों में खुशी से दिवाली मना रहे थे, तभी अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कई जगहों पर लोगों को बिना किसी वजह के ठंड का एहसास होने लगा। एक घर में एक औरत ने देखा कि उसके सामने एक पिशाचिनी खड़ी थी। उसकी लंबी बालों से भरी चेहरा और लाल चमकती आंखें थीं। डर से उसकी चीख निकल गई और पिशाचिनी ने उससे कहा, जो तेरा है वो मुझे दे दे, वरना तेरा अंत निश्चित है। वहीं दूसरी ओर चुड़ैलें अपने लंबे नाखूनों और घुंघराले बालों के साथ छतों पर बैठकर लोगों को डराने लगी। जब कोई उन्हें देखने की कोशिश करता तो वे अजीब अजीब सी भयानक आवाज निकालती और लोग घबराकर अपना धन आभूषण तांत्रिक के आदमियों को दे देते। शहर के एक कोने में एक आदमी ने हिम्मत दिखाई और तांत्रिक का सामना करने का साहस किया। उस आदमी ने पूछा, कौन हो तुम जो हमारे त्योहार को बर्बाद कर रहे हो? तांत्रिक ने ठहाका लगाते हुए कहा, मैं तांत्रिक हेमराज, जो आज इन सारी आत्माओं का स्वामी बन गया हूं। अगर तुम सब मुझसे अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हो तो मुझे दान दो, वरना ये राक्षस तुम्हारी जान ले लेंगे। वह आदमी डर से कांपने लगा और उसके पास जो भी कुछ था तांत्रिक को दे दिया। इसी तरह शहर के हर हिस्से में तांत्रिक ने अपना आतंक फैलाया और लोगों से धन ऐंठता रहा। दिवाली की यह रात जो पहले रोशनी और खुशियों से भरी होती थी, अब डर और आतंक से भर गई थी। लोग अपने घरों में ताले लगाकर छिप गए थे। हर कोने में तांत्रिक के आदेश पर भूत प्रेत मंडरा रहे थे। सुबह होने तक तांत्रिक ने शहर के अधिकांश लोगों का धन लूट लिया था। जैसे ही सूरज की पहली किरण शमशान पर पड़ी, तांत्रिक ने एक बार फिर से मंत्र पढ़ा और उन प्रेतात्माओं को वापस शमशान में बांध दिया। लेकिन उस रात का खौफ लोगों के दिलों में रह गया। हर जगह डर और खौफ का माहौल था। लोग घरों में दुबक गए थे और बाहर सिर्फ सन्नाटा था। इसी बीच शहर में दो नौजवान अद्विक और देवेश इस बुरी ताकत का सामना करने का संकल्प लेकर निकल पड़े। दोनों बचपन से ही साहसी और समझदार थे और उनका मानना था कि कोई भी राक्षसी ताकत इंसान के संकल्प और बुद्धि से बड़ी नहीं हो सकती। अद्विक और देवेश ने सबसे पहले उन लोगों से बात की जिन्होंने उस तांत्रिक का सामना किया था। उन्होंने सुना कि तांत्रिक ने अमावस्या की रात शमशान में मंत्र पढ़कर उन आत्माओं को बुलाया था। अद्विक को समझ में आ गया कि तांत्रिक ने काले जादू का सहारा लेकर
उन भूत प्रेतों को गुलाम बना रखा है। अद्विक ने कहा, देवेश, अगर हमें इस तांत्रिक को हराना है तो हमें उसकी ताकत का स्रोत ढूंढना होगा। वो अमावस्या की रात को शमशान में आया था, इसका मतलब है कि उसका शक्तिशाली मंत्र वहां कहीं होगा। हमें उस मंत्र को नष्ट करना होगा ताकि उसकी शक्ति खत्म हो सके। देवेश ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें रात होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि तभी तांत्रिक शमशान में आएगा, तब हम चुपके से वहां जाकर उसकी शक्तियों का राज जान सकते हैं। रात होते ही अद्विक और देवेश शमशान की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए उन भूत प्रेतों को अपने वश में कर रहा था। शमशान के चारों ओर एक अजीब सा धुआं फैल रहा था जो उन प्रेतों को तांत्रिक के गुलाम बना रहा था। अद्विक ने देवेश से कहा, हमें इस धुएं का स्रोत खोजना होगा। यह धुआं ही उसकी शक्ति का प्रतीक है। जब तक यह धुआं रहेगा, तांत्रिक की शक्ति बनी रहेगी। चुपके से दोनों तांत्रिक के मंत्र स्थल के पास पहुंचे और वहां देखा कि एक काले पत्थर पर तांत्रिक ने राख, हड्डियां और रक्त से एक घेरा बना रखा था। देवेश ने धीरे से कहा, यही उसकी शक्ति का स्रोत है। अगर हम इस घेरे को तोड़ दें तो तांत्रिक की शक्ति कमजोर हो जाएगी। अद्विक ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने देवेश से कहा, हम थोड़ी दूर जाकर पत्थर फेंकेंगे ताकि तांत्रिक का ध्यान भटके। जैसे ही वह मुड़ेगा, हम इस घेरे को तोड़ देंगे। दोनों ने मिलकर एक पत्थर फेंका जिससे तांत्रिक का ध्यान बढ़ गया। उसने सोचा कि कोई पास आ रहा है और वह देखने के लिए उठा। इतने में अद्विक और देवेश ने उस राख के घेरे को मिटा दिया। जैसे ही घेरा टूटा, उन भूत प्रेतों पर से तांत्रिक का नियंत्रण समाप्त होने लगा। तांत्रिक ने अपनी शक्ति कमजोर होते देखी तो तुरंत मंत्रोच्चारण करके फिर से भूतों को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी। तांत्रिक को समझ में आ गया था कि किसी ने उसकी पूजा में खलल डाली है। उसने अपनी आंखें गुस्से से लाल करते हुए चारों ओर देखा और अद्विक और देवेश को देखा। वह गुस्से में तिलमिला उठा और गरजते हुए बोला, कौन हो तुम लोग जो मेरे काम में बाधा डाल रहे हो? अद्विक ने साहसपूर्वक जवाब दिया, हम वो हैं जो तुम्हारे इस पाप का अंत करने आए हैं। तुमने निर्दोष लोगों को परेशान किया और हम इसे सहन नहीं करेंगे। तांत्रिक हंसा और बोला, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे टकरा रहे हो? मेरे पास असीम शक्ति है और तुम दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से भूतों को फिर से बुलाने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही। अद्विक और देवेश ने तुरंत अपनी ताकत लगाई और उन भूतों को समझाया, तुम लोग इस तांत्रिक के गुलाम नहीं हो, तुम अपने ही कर्मों के कारण परेशान हो, लेकिन यह तांत्रिक तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रहा है, इसे छोड़ दो और मुक्त हो जाओ। भूतों और प्रेतों को यह बात समझ में आने लगी और वे तांत्रिक की तरफ से हटने लगे। तांत्रिक को यह देख गुस्सा आ गया और उसने अद्विक और देवेश पर हमला कर दिया। अद्विक और देवेश ने यह समझ लिया था कि तांत्रिक का असली हथियार उसका मंत्र है। देवेश ने कहा, हमें उसकी पुस्तक ढूंढनी होगी जिसमें उसके मंत्र लिखे होंगे। अगर हम उस पुस्तक को नष्ट कर दें तो वह पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। दोनों ने मिलकर तांत्रिक का ध्यान भटकाया और उसकी झोंपड़ी में जाकर पुस्तक की खोज की। आखिरकार उन्हें एक काले कपड़े में लिपटी हुई एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें तांत्रिक के सारे मंत्र थे। अद्विक ने तुरंत पुस्तक को उठाया और उसे जलाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी तांत्रिक वहां पहुंच गया और जोर से चिल्लाया, यह मेरी शक्ति का स्रोत है, इसे हाथ भी लगाया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन अद्विक और देवेश डरे नहीं, उन्होंने पुस्तक को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही पुस्तक जली, तांत्रिक की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही पुस्तक जलकर राख हो गई, तांत्रिक की सारी शक्ति खत्म हो गई। भूत, चुड़ैल और पिशाच ने उसे छोड़ दिया और शांति में चले गए। तांत्रिक कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। अद्विक और देवेश ने लोगों को आजाद करा दिया और शहर में फिर से शांति का माहौल बन गया। अद्विक ने देवेश की तरफ देखकर कहा, हमने इस तांत्रिक का अंत कर दिया है, अब यह शहर सुरक्षित है। दिवाली की वह रात अब एक नई कहानी बन चुकी थी। लोग अद्विक और देवेश की बहादुरी की चर्चा करने लगे और इस तरह दो दोस्तों ने अपनी समझदारी से पूरे शहर को उस तांत्रिक के खौफ से आजाद करा दिया।